गुड़ामलानी के उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबड़ में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सैनिटाइजर हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। बुधवार को ग्राम पंचायत डाबड़ के उदानियों की ढाणी, राठौड़ की ढाणी, सरकारी भवनों के साथ मेगा हाईवे पर ढाबे, रिलायंस व एचपीसीएल पंप सहित पंचायत परिक्षेत्र में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। गुड़ामलानी से अर्जुनदर जी की रिपोर्ट। गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबड़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरपंच पाचाराम विष्णुई के निर्देशन में सैनिटाइज हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। बुधवार को ग्राम पंचायत डाबड़ के उदानियों की ढाणी, राठौड़ की ढाणी, सरकारी भवनों के साथ मेगा हाईवे पर ढाबों, रिलायंस एवं एचपीसीएल पंप सहित पंचायत परिक्षेत्र में डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी शंकर राम जाखड़ ने ग्रामवासियों को हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी आदेशों की पालना करें, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें, अपने घरों पर सुरक्षित रहें। आज ग्राम पंचायत डाबड़ में सैनिटाइज करेंगे कोरोना महामारी को देखते हुए उदानियों की डाणी, डाबड़, राठौड़ की डाणी, एसपी पंप, रिलायंस पंप सभी जगह सैनिटाइज किया गया और मास्क वितरण किया गया और ग्राम पंचायत के लोगों को हिदायत दी गई कोरोना महामारी को देखते हुए आप घरों में रहें। सरपंच पाचाराम विष्णु ने ग्रामीणों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य नाथुराम भील, पूर्व सरपंच बीजाराम चौहान, प्रेम सिंह, मोहनलाल कोदारा, मानाराम पुनिया, भंवर सिंह, राजेश शर्मा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।